ये सुजुकी वैगन आर गाड़ी है जिसमें हमने हमारा थर्मल एक्टिवेटर डिवाइस बिठाया है। ये जो थर्मल एक्टिवेटर डिवाइस यहाँ पे बिठाया है उसके लिए जो गर्म पानी का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये गाड़ी में ऑलरेडी कंपनी फिटेड एलपीजी गैस है, एलपीजी फिटिंग है, उसको जो गर्म पानी यहाँ पे आ रहा था, यानी ये जो पाइप है ये यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट था। हमने क्या किया, इस पाइप को यहाँ से डिस्कनेक्ट किया। इस पाइप से आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पाइप गर्म पानी का हमने लिया है इस तरह से। ये गर्म पानी अपना थर्मल एक्टिवेटर डिवाइस में यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से पानी गर्म इससे सर्कुलेट होके यहाँ से गर्म पानी बाहर निकला है और वापस यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है। यानी सिर्फ गर्म पानी को थर्मल एक्टिवेटर डिवाइस से हमने सर्कुलेट करके लिया है। थर्मल एक्टिवेटर डिवाइस बिठाते वक्त हमने ये जो मेटल पार्ट है ऊपर का आप देख सकते हैं, उस मेटल को मेटल बॉडी में कहीं पे भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे रबर पैकिंग डाला है ताकि ये मेटल को टच ना हो, कहीं भी बॉडी में हमने उसको टच नहीं करने दिया है। फिटिंग जो किया है वो प्लास्टिक के साथ किया है और इससे जो थर्मल एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये ब्लू पाइप से यहाँ से निकल के, ये देखिए यहाँ से ये जो फिल्टर से हवा मैनिफोल्ड की तरफ जा रहा है उसमें हमने उसको इंजेक्ट किया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे इंजेक्ट किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। गाड़ी